बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में बात करेंगे ख्वाब के अंदर समंदर देखने के हवाले से। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं, कोई अमल, कोई फिर्द, कोई वजीफा पूछना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलवाना चाहती हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। हजरत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि अगर देखे कि समंदर में दरिया में डूबा है, तो मुराद है कि बादशाह इसको हलाक करेगा। अगर देखे कि पानी इसको नीचे लेकर गया फिर ऊपर लाया है, तो दलील है कि दुनिया के काम से हाथ उठाएगा, इस्लाह और आखरत का रास्ता तलाश करेगा। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में गर्क होना या डूब जाना 4 बजे पर है: माल मिलने पर, अच्छी सोबत पर, बदमजहब लोगों पर और नफा हासिल होने पर। अगर देखे कि ख्वाब में साफ पानी में तैरा है, तो दलील है कि ख्वाब में साफ पानी में तैरना दुनिया के माल में गर्क होने की तरफ इशारा है। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।